मध्य अमेरिका का खूबसूरत देश जिसका नाम है होंडुरास, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ होंडुरास, एक ऐसा लोकेशन जहां पर इतिहास के कई सारी समुद्री खोजकर्ताओं ने सोने की तलाश की। 30 जुलाई 1502 की क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने एक आइसलैंड को खोज निकाला। कोलंबस को लगा आइसलैंड काफी गहरी जगह पर है, इसलिए उन्होंने आइसलैंड को होंडुरास ऐसा नाम दिया जिसका हिंदी में मीनिंग होता है गहराई। तो चलो आज के वीडियो में इसी देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। वैसे आपको देश को उसका नाम कैसे मिला इसके बारे में पता चला होगा। देश की बॉर्डर निकारगुआ, अल सलवाडोर, गौटेमाला, कैरिबियन सागर, होंडुरास की खाड़ी और फोनसेका की खाड़ी से जुड़ी है। 1,12,492 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश जिसकी आबादी 99 लाख है। तेगुसिगाल्पा, सैन पेड्रोसुला और कोलोमा यहाँ के कुछ बड़े शहर है। इनमें से राजधानी शहर तेगुसिगाल्पा जिसकी आबादी 11 लाख है। देश अपने समृद्ध प्राकृतिक खजाने के लिए जाना जाता है जिसमें खनिज, यहाँ की फेमस कॉफी, फल और गन्ना शामिल है। इंटरनेशनल मार्केट में होंडुरास को टेक्सटाइल बिजनेस की वजह से जाना जाता है। देश काफी बड़ी मात्रा में कपड़े को निर्यात करता है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। देश के काफी सारे स्टूडेंट उत्तरी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इसलिए होंडुरास में स्पेनिश के अलावा अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे लोगों का जीवन, रहने का तरीका और खाना, इन सब बातों को ध्यान में लेकर देश की जीवन गुणवत्ता बताई जाती है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनके रिपोर्ट के अनुसार होंडुरास के लोग औसतम 74 साल तक जिंदा रहते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी जिसका नाम है सैलिसबरी क्लॉक आज के समय में इंग्लैंड में देखने को मिलेगी, जो कि 13वीं सदी में बनाई गई थी। लेकिन होंडुरास की पुरानी राजधानी कोमायागवा में अमेरिका की सबसे पुरानी घड़ी देखने को मिलेगी। देश के झंडे में 2 रंग है, नीला और सफेद। सफेद रंग के ऊपर 5 नीले सितारे। क्या आप जानते हैं इन 5 सितारों का क्या मतलब होता है? सितारे उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कभी मध्य अमेरिका के संघीय गणराज्य का हिस्सा थे। 5 सितारे मतलब 5 देश, कोस्टा रिका, अल सलवाडोर, निकारगुआ, गौटेमाला और होंडुरास, और ये सभी 5 देश मध्य अमेरिका में आते हैं। आज के समय में देश में छोटे बड़े 30 तालाब है। इनमें से याजोआ तालाब सबसे बड़ा और प्राकृतिक तालाब है जिसका एरिया 285 स्क्वायर किलोमीटर है। होंडुरास की छोटी बड़ी जिले पर्यटक लोगों को आकर्षित करती है। देश के इतिहास में घटी कुछ ऐसी घटनाएं जो आजादी के लिए यादगार रही। साल 1849 में ब्रिटिश ने फोनसेका खाड़ी के टिग्रे आइसलैंड पर कब्जा किया। निकारगुआ ने राजधानी तेगुसिगाल्पा पर कब्जा किया। मध्य अमेरिका के 5 देशों के संघ का पतन होने के बाद 5 नवंबर 1838 को होंडुरास ने आजादी की घोषणा की। देश हर साल 15 सितंबर को आजादी का दिन मनाता है। 1821 एक ऐसा साल था जब गौटेमाला की सिटी में मध्य अमेरिका की स्वतंत्रता अधिनियम पर साइन किया था। देश काफी लकी था क्योंकि उसे आजादी पाने के लिए बड़ा युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। देश का नेशनल एनिमल व्हाइट टेल डियर है। नेशनल फूल रिंचोनेला डिगबैंगा है। आज के समय में देश कॉफी, केले और लकड़ी को निर्यात करता है। अमेरिका के काफी सारे देशों ने बाल विवाह रोकने के लिए मतदान किया था, इसलिए आज देश में 18 साल से कम उम्र में किसी की शादी नहीं होती। दुनिया भर के काफी सारे लोग हर साल होंडुरास घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा है? अगर आप ऐसा सोचते हो हर देश का राजधानी शहर सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है तो ये गलत है, क्योंकि होंडुरास का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल कोपन रेंज शहर है। क्योंकि इस शहर में एक ऐसी जगह है जिसे माया साइट्स कहा जाता है, जहां पर माया सभ्यता के सबूत देखने को मिलेंगे। दुनिया के कई सारे देशों ने सार्वजनिक ठिकानों पर स्मोकिंग करने पर बैन लगाया, उसी तरह होंडुरास ने भी स्मोकिंग मतलब सिगरेट पर बैन लगाया। लेकिन होंडुरास एक ऐसा देश है जो खुद के ही घर में स्मोकिंग करने पर बैन लगाता है और ऐसा कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अगर परिवार का कोई सदस्य स्मोकिंग करता है तो बाकी के लोग उसकी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस कानून को पूरी तरह से फॉलो किया जाता होगा। देश में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है जिसे डिया डिल निनो नाम से जाना जाता है, जो कि 10 सितंबर को मनाया जाता है। साल 1870 के बाद का समय एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री बन रही थी। मध्य अमेरिका का होंडुरास एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पहला सिनेमा रिलीज हुआ था। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।